हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस मफिन्स की रेसिपी, जो विदाउट मोल्ड हम घर पर बनाएंगे कॉफ़ी मग के साथ। इसमें आपको बिल्कुल भी किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो मार्केट में कॉफ़ी मग मिलते हैं, उसमें आप आसानी से इस कपकेक्स को, इन मफिन्स को आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही स्पॉन्जी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको लगेगा 1 कप मैदा, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे और इसे अब हम अलग कर देंगे अच्छे से मिक्स करके। इस ड्राई इंग्रेडिएंट को आप एक साइड रख दें और इसके बाद अब हम वेट इंग्रेडिएंट बनाएंगे। तो इसके लिए एक और बोल लेंगे। इसमें डालेंगे हम 4 से 5 छोटे चम्मच ऑयल के। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं, आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे कर्ड। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच कर्ड लिया है, 1/3 कप के अराउंड। और इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस। अगर आपके पास एसेंस भी नहीं है तो आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमको मिक्स करना है, जब तक ये एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, बहुत कम इंग्रेडिएंट है और बिना एग के बहुत ही फ्लफी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो जिस कटोरी से या जिस कप से आप मैदा लेंगे, उसी कप से आप मिल्क लें 1 कप। और अभी हम 1/2 मिल्क इस्तेमाल करेंगे, मतलब 1/2 कप मैंने मिल्क लिया है और थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 मिल्क हम बाद में यूज़ करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। तो शुगर मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप। अब हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि जो शुगर है वो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो जाती। इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा, मतलब जो हमने ड्राई फ्लावर बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो 1/2 1/2 करके ही डालें, 2 बैचेस में आप इसको डालें। और जो बाकी का बचा हुआ है वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। और मिल्क की हेल्प से हम एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। जो 1/2 मिल्क हमने बचा लिया था वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे मिक्स करें और एक स्मूथ बैटर बनाएं। इस टाइम पर आप ध्यान रखें कि जो बैटर है बहुत तेज़ी से आपको नहीं चलाना है, बहुत ही हल्के हल्के हाथों से थोड़े थोड़े मिल्क की हेल्प से आपको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी करना है, जिससे आपके मफिन्स हैं या आपका केक है वो बहुत अच्छे से जालीदार बने अंदर से और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने। तो ये हमारा स्मूथ बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलते हैं अब इसे बेक करने की प्रोसेस में। तो आपके पास इस तरह के कॉफ़ी मग घर में अवेलेबल हैं तो आप इसमें भी बना सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कटोरियों को भी ग्रीस कर लें ऑयल या घी से और इसे 1/2 फिल करें। और इसके बाद अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे लगभग 45 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। तो कुकर में सबसे पहले हमें ये सेटअप करना है। आप चाहें तो सॉल्ट डाल दें, मैंने यहाँ पे सैंड डाला है और एक इस तरह का ट्रे रखा है नीचे, और उसके ऊपर हम ये कप रखेंगे और ये सारे कप को हम इसी तरह से असेंबल कर देंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कुकर है या जिसमें भी आप बेकिंग कर रहे हैं वो प्री हीटेड होना चाहिए। लगभग 10 मिनट के लिए आप पहले उसे प्री हीट कर लें, उसके बाद ही आप कपकेक्स को या आप केक बना रहे हैं उसे बेक करें। और ये सारी कप्स हम असेंबल कर चुके हैं। इसके बाद अब हम कुकर लगा देंगे और इसमें विसिल हटा दीजिए, विसिल नहीं रखनी है। और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 45 मिनट के लिए बेक करना है। 45 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जो आपके केक हैं बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो मैं इसे यहाँ पे चेक कर रही हूँ तो ये इतना हल्का हो चुका है कि ये टूथपिक के साथ ही कप ऊपर आ रहा था, तो ये बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है। अगर आपको लगे कि आपका जो मफिन्स है वो थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप 5 मिनट के लिए इसे और बेक कर सकते हैं। तो ये अमेजिंग फ्लफ़ी सॉफ्ट मफिन्स हैं, बिल्कुल रेडी हो गए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, इसमें कोई भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, एगलेस है और विदाउट एग ये बहुत ही अच्छे घर में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे रिमूव कर लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसा है, ये कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लफ़ी है और अंदर से इसकी जालीदार टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है।
तो इस तरह से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसा आया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये देखिए, अब मैं इसको अंदर से बताऊँगी कि ये कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत स्पॉन्जी बना है। इसके अंदर जो जालियाँ हैं वो एकदम परफेक्ट बेकिंग है। ये देखिए कितना फ्लफ़ी लग रहा है। तो ये रेसिपी बहुत ही गारंटेड रेसिपी है, बहुत अच्छा बनेगा आपका केक। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।